राइट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। बेटा अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है जो हमें स्टेटमेंट दी है इस क्वेश्चन में वो ट्रू है या फॉल्स है और हमें उसको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई मीन्स रीज़न भी देना है। तो देखते हैं बेटा जो गिवन स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या है? एन एज ऑफ आ क्यूब, एक क्यूब है, जैसे एक क्यूब ड्रॉ करी हुई है बेटा मैंने, उसकी एज, एज मीन्स साइड कितनी है? 8 सेंटीमीटर। एज हो गई आर, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ओके, और ये भी आर है। मतलब क्यूब की बेटा हर एक जो साइड होती है ना इक्वल होती है, तो ईच एज कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। अब वो कहता है इफ द लार्जेस्ट पॉसिबल राइट सर्कुलर कोन इज कट आउट ऑफ दिस क्यूब, इस क्यूब में से हम एक लार्जेस्ट पॉसिबल कोन को कट कर ले, कोन कट कर ले, तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है ना इन क्यूबिक सेंटीमीटर 1/6 πr³ होगी। तो देखते हैं बेटा हम कट करके देखते हैं पहले लार्जेस्ट पॉसिबल कोन इस क्यूब में से। तो हमने क्यूब लिया, ये ले लिया बेटा। अब यहाँ पर हमने इसमें से एक सबसे बड़ा कोण निकालना है, लार्जेस्ट कोण। तो लार्जेस्ट कोण काटने के लिए बेटा सबसे पहले हम ऊपर एक सर्कल शेप में कट आउट करेंगे, यहाँ से सर्कुलर कट करेंगे, और सर्कल जो है वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम साइज रेडियस का होगा या मैक्सिमम डायमीटर का होगा ये कह लो। तो वो कैसे स्टार्ट होगा बेटा? वो एच से ही स्टार्ट होगा। एच जैसे इसके यहाँ से आप स्टार्ट करोगे मिडल ऑफ द एच से, और ये दूसरी साइड के भी मिडल में टच करेगा, और तीसरी एच को भी जो टॉप वाली एच है उसको भी मिडल से टच करता हुआ, फोर्थ साइड फोर्थ एच की टॉप वाली फोर्थ एच को भी मिडल से टच करेगा। तो यही सबसे बड़ा सर्कल होगा जो हम कोन का कोन निकालने के लिए बनाएंगे, कटआउट करेंगे, ठीक है। और ये कोन का बेस होगा, ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये बेस हो गया। अब इस बेस का, बेस क्योंकि सर्कुलर है कोन का, अभी मैं हाइट की भी बात करूंगा, पहले मैं सिर्फ इसका कोन का डायमीटर और रेडियस बता रहा हूँ पहले आपको बेटा। देखो इस सर्कल जो हमने कट करा इसका डायमीटर किसके बराबर होगा? डायमीटर होगा बेटा यहाँ से यहाँ तक, अगर हम यहाँ सेंटर मार्क कर लेते हैं ओ, तो डायमीटर ये हो जाएगा। और डायमीटर किसके इक्वल होगा? साइड ऑफ द क्यूब, यानी कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब होगी। और कोन को हम फर्दर अब और इसमें से मटेरियल निकालेंगे, मान लो ये वुडन क्यूब था, इस क्यूब को हम और मतलब इसको डक करेंगे और इसमें से मटेरियल निकालेंगे, तो कुछ कोन इस तरह से निकल जाएगा, ये कोन बाहर आ जाएगा इसमें से, ठीक है। तो कोन का जो ये टॉप है देखो इसके बेस को यहाँ तक टच करेगा, यहाँ तक टच कर रहा है, ये बेस को टच कर रहा है, ठीक है, यहाँ तक बेस ऑफ द क्यूब को, क्यूब के बेस को टच करेगा इसका टॉप, जो कोन का टॉप है। और फिर हम ये कट करके इसको कोन, लार्जेस्ट पॉसिबल कोन निकल आएगा। अब इसका डायमीटर तो पता चल गया हमें कोन का, अब कोन की हाइट क्या रहेगी? देखो बेटा ध्यान से समझना, हाइट ये वाली होगी, ये राइट सर्कुलर कोन है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा, और ये देखो बेटा किसके पैरेलल है, ये यहाँ पर मैं इसको डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ, तो ये रेड लाइन डाल रहा हूँ ना बेटा मैं लाइन सेगमेंट, इसके बराबर है। और ये रेड लाइन कहाँ आ रही है, किसके पैरेलल आ रही है? एज ऑफ द क्यूब के, है कि नहीं? तो ये आर होगी, तो ये भी आर होगा। और इसी तरह से बेटा जो हाइट ऑफ द कोन हो जाएगी ना वो भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें रेडियस ऑफ द कोन और डायमीटर ऑफ द कोन और हाइट ऑफ द कोन पता चल गया, तो अब हम लिखते हैं पहले डायमीटर ऑफ कोन कितना है बेटा? डायमीटर ऑफ कोन इज इक्वल टू साइड या एच कह लो, एक ही बात है साइड और एच, ऑफ क्यूब विच इज इक्वल टू आर, डायमीटर आर हो गया। अब रेडियस जो होता है बेटा डायमीटर का हाफ होता है, सो रेडियस हो जाएगा रेडियस ऑफ कोन, लार्जेस्ट पॉसिबल कोन जो हम कट करेंगे वो होगा आर अपॉन टू, और हाइट ऑफ कोन क्या हो गया?
अभी मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, वो भी साइड ऑफ द क्यूब के बराबर होगा। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब विच इज इक्वल टू आर। अब हम वैल्यू वॉल्यूम ऑफ कोन के फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ओके, तो लेट अस सब्सटीट्यूट द वैल्यू और इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यू सब्सटीट्यूट करके 1/3 ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू में डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें पाई की वैल्यू नहीं दी, डाली ही नहीं है, तो पाई को पाई ही लिख देंगे। रेडियस कितना है? रेडियस ऑफ कोन आर अपॉन टू, यानी कि आर को हम आर अपॉन टू से रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा आर अपॉन टू स्क्वेयर। और एच, एच फोर हाइट, हाइट कितनी है? अभी हमने निकाली आर, जो भी देखो ये हाइट ऑफ द कोन आर है। ऑन सॉल्विंग इट, अब इसको सॉल्व करना है बेटा, ध्यान से समझना। 1/3, अब पाई को पाई ही रहने देना है। अब आर अपॉन टू होल स्क्वायर है, तो यानी कि आर अपॉन टू मल्टीप्लाई आर अपॉन टू होगा, और इधर मल्टीप्लाई आर हमारे पास ऑलरेडी है। ओके, अब हम सॉल्व करें तो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में कुछ भी कट नहीं हो रहा, यानी कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। तो अब हमें जस्ट मल्टीप्लाई करना है, पहले न्यूमिनेटर में करते हैं 1 × π। 1 × एनी नंबर इज नंबर इट्सेल्फ, तो 1 × π पाई होगा, तो पाई तो ऐसे आ जाएगा। अब r × r × r तीन बार आ रहा है, तो ये आर क्यूब बन जाएगा, फाइन। और इसके आगे वन यहाँ चाहे लगा भी दो, क्योंकि इधर क्वेश्चन में भी हमारे पास वन है, तो हम ये लिखे या ना लिखे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में भी वन है, इधर है। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा, ध्यान से समझना। 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, तो यहाँ पर 1/12 आ गया। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल कोन इज 1/12 पाई आर क्यूब आया है, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया था? 1/6 पाई आर क्यूब, जो कि नहीं आया, यानी कि जो स्टेटमेंट है ये हमारी क्या हुई, स्टेटमेंट इज फॉल्स। और हम इसको जस्टिफाई भी कर चुके हैं, स्टेटमेंट इज फॉल्स। और जस्ट